तो पहला काम है नित्य भगवत नाम उच्चारण करें, दूसरा काम है नित्य स्नान करें, और तीसरा काम है भले आप 10 मिनट बैठें घर के मंदिर में, रोज बैठे घर के मंदिर को अच्छा सा सजाइए, बहुत बढ़िया सा, उनमें फूल पत्तियां। आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण को धूर्वा चढ़ाने से सिर्फ अकेली दुर्गा मैया को धूप नहीं चढ़ती और सबको चढ़ती है, भगवान कन्हैया को तुलसी चढ़ती है, उन्हें दुर्वा भी चढ़ती है, और जो कृष्ण को दुर्वा चढ़ाते हैं उनकी वंश वृद्धि धूप की तरह ही होती है। धूप मिट्टी के नीचे इतनी विस्तार से फैली हुई होती है, जो देवताओं को दुर्वा चढ़ाते हैं उनका परिवार भी बहुत विस्तार पूर्वक होता है। इसमें लगता ही क्या क्या लगेगा, बेलपत्र लेके आओ, रात को पानी में गंगा जल में डालो, सुबह पहुँच के उसके ऊपर कुछ लिख लो, ओम श्रीम क्लीम राम श्याम, जो भी कुछ लिख सकते हैं, ओम जो भी लिख सकें, वो फिर आप भगवान के ऊपर चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए। कल मैं वहाँ कथा में बोल रहा था, एक तुलसी पत्र होता है और एक तुलसी दल होता है, दोनों में अंतर है। जो बीमारी को खत्म कर देता है वो तुलसी का पत्ता है, और जो पापों को खत्म कर देता है वो तुलसी दल है। तुलसी दल गंगा जल में आप डाल देंगे तुलसी, वह पापों को खत्म कर देगा, सीधे तुलसी के पत्तों को घटक लोगे तो वो रोगों को खत्म कर देगा। तुलसी मैया की कितनी बड़ी कृपा है, अपने आंगन में अपने घर में तुलसी को आरोपिए, उसे वंदन कीजिए। जिसका बेटा बहू को लेकर के और अपनी माता जी से अलग रहना चाहता है, बेटा अपने पापा से अलग रहना चाहता है, जिन बहुओं को सास माँ के संग रहने में मन लगता नहीं है, तो ऐसी डुकरियां 108 पत्ते तुलसी के लेके और तुलसी मैया की परिक्रमा तुलसी की पत्तों से करें। मैं दावे के साथ कहूंगा तुम्हारा बेटा और बहू कभी तुमसे अलग नहीं जा सकते, शंकर का दिया हुआ वरदान, शिव ने वरदान दिया। जो घर में कल मैं निवेदन वहां कर रहा था, रेवाड़ी में से पुराण थी, इतनी अद्भुत बात कही गई कि जिस घर में भगवान सालराम की है तुलसी, जिस घर में सालराम की पूजा होगी और तुलसी के पत्र को सालग्राम के ऊपर चढ़ाया जाएगा, उस परिवार में पिता से पहले कभी बच्चे की मृत्यु नहीं होगी, ये शंकर का दिया हुआ वरदान। तुलसी कितनी महिमा युक्त है और लोग इसको आज बिल्कुल भूले हुए बैठे हैं। तो ये मैं 6 काम करने की बात आपको बोल रहा हूँ, वो बड़ी अद्भुत है। सबसे पहले स्नान रोज कीजिए, दूसरा है भगवान के मंदिर में, सबसे पहला बिस्तर छोड़ें तो भगवान का नाम लें, बासे मुँह नाम लें, हाँ बासे मुंह, जिस समय मुंह में लार भरी है तब ये लार बड़ा फायदा करती है, और आपको पता नहीं है ये लार जब पेट में जाती है तो पेट में गैस नहीं बनने देती, लेकिन आप लार अंदर जाने ही कहाँ देते हैं, ये लार, ये सुबह जो गर्म पानी आप एक गिलास आप पीते हैं पूरी लार पेट में जाती है, इससे किडनी लीवर ये सब बड़े मजबूत रहते हैं, पित्ताशय ये सब बहुत बढ़िया रहता है, ये तो अंदर जानी चाहिए। अब हम लोगों का तो नियम, हम तो बिना नहाए पानी पीते नहीं है, जब आप चाय पी लेते हैं बिना नहाए तो पानी पीने में आपको क्या दिक्कत है, सुबह एक गिलास गर्म पानी कीजिए और उसको